नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव के जुड़ी हुई खबरों का। जी हाँ, लोकसभा चुनाव की बात करें तो अब जो है सीट के बंटवारे को लेकर जो है पूरे देश में जो है लगभग जो है घमासानी मची हुई है, क्योंकि कोई भी जो जहाँ पर गठबंधन की पार्टियाँ हैं उनको जो है सीट को लेकर जो है काफ़ी असमंजस स्थिति बनी हुई है। इसमें खासकर महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना और एनसीपी के बीच में जो है लोगों में काफ़ी चर्चा है कि आखिर में इनके जो है सीट के बंटवारे क्यों अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो बीजेपी ने अभी तक जो है सेकंड लिस्ट अभी तक जाहिर नहीं की है। फर्स्ट लिस्ट में उन्होंने 195 नामों की घोषणा कर दी थी, उसके बाद जो है काफ़ी लंबा गैप होता दिख रहा है। यानी कहीं ना कहीं स्थिति जो है असमंजस की बनी हुई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हैं एडवोकेट सुभाष काले जी, जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर में ऐसी क्या मजबूरियां हैं पार्टियों की, क्योंकि जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो पूरी तैयारी में बैठे हुए हैं कि जैसे उनकी नाम घोषणा हो जाएगी और वो चुनाव प्रक्रिया में जुड़ जाएंगे, तो इसमें जो है डिले होना मतलब पार्टी का ही नुकसान की तरह देखा जाएगा, क्योंकि उनको चुनाव प्रक्रिया में जो है काफ़ी समय कम मिल पाता है। तो ऐसे में क्या ऐसा स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र में खासकर, कि बीजेपी जो 48 सीटों में से कभी 36 सीट, कभी 32 सीट, कभी 30 सीट पर जो चर्चा हो रही है, आखिर में क्या हकीकत क्या है इसके पीछे? सर आप क्या मानते हैं? सर आपका स्वागत है एक बार हमारे चैनल में। क्या कहेंगे कि लोकसभा चुनाव की अब जो है तारीखें लगभग उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, आचार संहिता कभी भी लग सकती है, कभी भी लग सकती है, दो चार दिन में लग। यस यस, देखो क्या है, फिलहाल दोनों जगह बातचीत चालू है। हम टीवी पे या न्यूज में देख रहे हैं कि भाई महायुति यानी कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजित पवार राष्ट्रवादी पार्टी, इनकी चर्चा चालू है। महाराष्ट्र में चालू है, दिल्ली में बैठक होती है, और यहाँ पर दूसरी जगह महाआघाड़ी, उसमें शिवसेना है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी शरद पवार है और वंचित है। अभी वंचित है या नहीं है इसका फैसला आज तक कोई हुआ ही नहीं है, और कोई बोल भी नहीं सकता कि वंचित है या वंचित नहीं है। यह ऐसी हालत है उनकी महाविकास आघाड़ी की। अभी इलेक्शन तो बहुत करीब आई है। एनडीए यानी के महायुति में तो जैसे मैंने कहा, पहले भी कहा था कि जिस अभी फिलहाल जो पोजीशन है तो उस पोजीशन के मुताबिक 23 खासदार तो बीजेपी के ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग है। एकनाथ शिंदे जी के पास 13 है और अजित पवार के जी के पास सिर्फ एक है, तो बची कुची सीट का ही बंटवारा हो सकता है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी मैं कह रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला है इसमें कोई बदलाव आने के चांसेस नहीं है। मैं 1-1.5 महीने पहले भी बोला हूँ, आज भी वही रिपीट कर रहा हूँ कि 23 सीट जो बीजेपी चुन के आई है वो बीजेपी के पास रहेगी, 13 सीट्स जो शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब के पास है वो उनके पास रहेगी, और अजित पवार की 1 सीट है जो तटकरे साहब की है वो उनके पास रहेगी। अभी सवाल है बची सीट का बंटवारा कैसे हो। अभी बची सीट का बंटवारा में 2 सीट अजित पवार साहब को जा सकती है, एक तो बारामती है जी, और दूसरी वो तटकरी की तो मिलने वाली है, वो एक एक्स्ट्रा जो 2 सीट है वो बारामती और शिरू दोनों के लिए उनका काफ़ी जोर है, और बारामती तो उनको 100% मिलेगी, वो तो तय हो चुका है, और उसके अलावा तीसरी कौन सी सीट मिलेगी उसके ऊपर फैसला होना है। अभी बची बात शिंदे साहब की, शिंदे साहब के पास, शिवसेना शिंदे के साहब के पास अभी 13 तो ऑलरेडी सिटिंग MPs है। अभी ये 13 सिटिंग MPs में बीजेपी का या सर्वे का जो रिपोर्ट आ रहा है कि उसमें से कुछ लोग को चुन के आने के चांसेस कम है, थोड़े कम है, इसलिए वहाँ पे कुछ रिशफलिंग करना ज़रूरी होगा। दूसरी बात ऐसी भी है कि हो सकता है कि कुछ लोग बीजेपी के निशान कमल के ऊपर आ सकते हैं, इसीलिए वो जो देर हो रही है मेनली मेरे हिसाब से वो सब यही हो रही है कि 13 सीट शिवसेना को देना ही है, ये तो तय है, ये शिवसेना को 13 सीट मिलने वाली है 101%, और अजित पवार साहब को 3 सीट मिलने वाली है, ये भी 101%, 13-3 16 मतलब 13 और 16 तो चले गए, बचे 32 और 32 सीट बीजेपी लड़ेगी। अभी उसमें एक हो सकता है कि कुछ सीट में अदला बदल हो सकती है। अच्छा,
कुछ सीट बीजेपी लड़ सकती है, कुछ सीट सेना दे सकती है, कुछ सीट पे ऐसा भी हो सकता है अदला बदली हो सकता है, इसके बदले में तुम यहाँ ले लो, उसके बदले में यहाँ ले लो, या उसमें और भी एक है कि इलेक्शन का माहौल और वहां की ताकत और वहां का काम देखकर बीजेपी का उम्मीदवार धनुष बाण पे लड़ सकता है और धनुष शिवसेना का उम्मीदवार कमल पे लड़ सकता है, क्या बात? ये भी मुमकिन है, ये मैं आज ही आपको बोल रहा हूँ, जब और कुछ दिनों के बाद जब फॉर्म भरने का टाइम आएगा तब आप देख लेना। यानी अभी तक हम ये कह रहे थे कि शिवसेना के लोग जो है कमल पे लड़ सकते हैं या उन्हें कहा जा सकता है कि आप कमल पर लड़िए क्योंकि हाँ। बीजेपी की लहर है, लेकिन अभी यहाँ पर काले साहब बोल रहे हैं कि कुछ बीजेपी के लोग भी यानी शिवसेना धनुष बाण पर लड़े। एक दो जगह ऐसा हो सकता है, ज्यादा नहीं, एक दो जगह ऐसा हो सकता है कि शिवसेना के पास कैंडिडेट नहीं होने के कारण बीजेपी का कैंडिडेट धनुष बाण पर लड़ सकता है, ऐसा हो सकता है, हो सकता है, और इसी वजह से सीट का बंटवारा मैंने आज आपको कहीं ठाणे के ऊपर तो नहीं बोल रहे हैं आप क्योंकि ठाणे का जो जो है आगे का वक्त आपको बिल्कुल बिल्कुल ठाणे के ठाणे भी लोगों का काफी चर्चा है कि ठाणे की सीट किसके पास जाएगी, बीजेपी भी जाएगी कि शिवसेना, क्योंकि शिवसेना का सीट है ये, राजन बिचारे यहाँ पर सांसद है लेकिन वो इसमें वाटा में है, तो इसलिए यहाँ पर स्थिति ये बनी हुई है कि आखिर में बीजेपी को दिया जाएगी शिवसेना को, तो जिस तरह से बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग जो धनुष बाण पर लड़ सकते हैं यानी सिंधे साहब भी मान जाएंगे, ठीक है शिवसेना का तो सीट ही है ही, बीजेपी कोई कैंडिडेट आ जाता है तो उसको दे देंगे, तो दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, हो सकता है, इसलिए बोला एक दो जगह, एक दो जगह ऐसा हो सकता है कि शिवसेना का कैंडिडेट कमल पे लड़ रहा है और बीजेपी का कैंडिडेट धनुष बाण पे लड़ रहा है, ये मुमकिन है, लेकिन सीट का बंटवारा तो मैंने आपको भी बोल दिया कि 32 सीट बीजेपी के, 13 सीट शिवसेना के, 3 सीट अजित पवार के, हो गए 48, मामला खत्म। अभी बात है महाविका छोड़ दीजिए सर, आज आप महायुति के बारे में बात करेंगे सर, एक चीज और बताइए कि क्या सीट तो चलो कंफर्म है जो आप सीटिंग इसका पार्टी का सीट है वो ले लेगा, लेकिन क्या लगता है आपको कि चेहरे भी बदली होंगे ऐसा? तो क्योंकि मुंबई की जो तीनों सीट है बीजेपी की इस समय तीनों चेहरे पर जो है खबर आ रही है कि तीनों सीट चेहरे बदली होंगे, जैसे कि पूनम महाजन की जगह पर आशीष शेलार और पीयूष गोयल जो है गोपाल शेट्टी की सीट पर लड़ेंगे, और मनोज कोटक की जगह पर दो नाम आ रहे हैं, अलग अलग नाम है, अभी अभी एक्सपोज नहीं हुआ है नाम वो, लेकिन तीनों मुंबई का जो सीट है बीजेपी के चेहरे बदली करेगी और इनको जो है आमदार यानी विधायक लड़ने के लिए कह सकती है, जैसे पूनम महाजन और गोपाल शेट्टी और मनोज कोटक को इनको जो है विधायक का सीट मिल सकता है, आपको क्या लगता है ये चेहरे बदली हो सकते हैं या महाराष्ट्र में और भी ऐसे कई चेहरे हैं जो जिसका काम अगर ठीक से नहीं हुआ है तो वहाँ चेहरे बदले? डेफिनेटली उम्मीदवार बदले हो सकते हैं, उसमें दो चीज़ें हैं जी, एक जो उम्मीदवार चुन के आने के चांसेस कम है जी वहाँ पे उम्मीदवार बदला जाएगा, और जहाँ पे दूसरा एक क्राइटेरिया ये रहेगा कि भाई इस जगह पे ये बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, एकदम 100% बीजेपी की सीट आने वाली है, वहाँ पे किसी दूसरा कैंडिडेट जिसको किसी भी हालत में हमको पार्लियामेंट भेजना है जी, उसको वो सीट दी जा सकती है, ऑफ कोर्स ये इंटरनल एडजस्टमेंट की बात है, ये हो सकता है, कई एमएलए को जो है लोकसभा भेजने की तैयारी चल रही है, कुछ एमएलए बीजेपी लोकसभा लड़ सकते हैं और कुछ एमपी को रुकना पड़ेगा विधानसभा भी 6 महीने बाद, इसका मैं फिर से और दोहरा रहा हूँ फिर से कि इसका कारण ये नहीं होगा कि भाई वो एमपी ठीक नहीं था, उसने काम बराबर नहीं किया, इसके लिए उसको हटा के दूसरा लाओ, नहीं, कुछ जगह ऐसी भी रहेंगी जहाँ पे चेंज पार्टी को करना जरूरी है इसलिए पार्टी करिए, भले वो जो अभी का जो एमपी है वो बहुत अच्छा काम कर रहा होगा, अच्छी तरह से उसका काम भी होगा, वो अगर खड़ा रहता है तो 100% चुन के भी आ सकता है, लेकिन वहाँ पे दूसरे को एडजस्ट करना जरूरी होने के कारण हो सकता है कि नया चेहरा आ सकता है, बीजेपी है कुछ भी मुमकिन नहीं, बीजेपी का बीजेपी को और दूसरा क्राइटेरिया मैंने बताया कि किसी भी हालत में जो चुन के आ सकता है उस जहां पे ऐसा लग रहा है कि भाई ये एमपी डालम डोल है, चांसेस हो सकता है चुन के आए भी कि नहीं आए भी, उसको भी बिठा के वहां पे नया चेहरा बीजेपी दे सकती है। सर मुंबई की जो बात करें तो जो खबर चल रही चर्चा उसके बारे में क्या कहेंगे आप, तीनों चेहरे पे? मुंबई में 6 सीट्स है जी, 6 में 3 बीजेपी के, अभी देखो 6 में 3 बीजेपी के है और 3 शिवसेना के पास थे जी। तो पहले हम चलो शिवसेना की बात करते हैं जी, शिवसेना ने एक तो कैंडिडेट उनका डिक्लेयर कर दिया, कीर्ति गजानन अमोल गजानन कीर्तिकर, अभी गजानन कीर्तिकर सिटिंग एमपी है जो शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब के पास है और उन्होंने उनके बेटे को ही टिकट दिया, इसीलिए अभी गजानन कीर्तिकर को वहाँ पे टिकट मिलना
नियरली इम्पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल है। वहां तो वहां पे कोई और कैंडिडेट देना जरूरी है और वहां पे नया चेहरा या नया नाम वहां पे आना आएगा ही और वहां पे आएगा। अभी सवाल ये रहेगा कि वहां शिवसेना लड़ेगी या बीजेपी लड़ेगी। दूसरा है पूनम महाजन की सीट, वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे जो कांग्रेस के नेता है, वहां के जो पिछले टाइम चुन के आए थे, क्या उनका नाम, मुस्लिम जो भी एनसीपी में गए, जो अभी एनसीपी में गए जी, तो वो एक है बाबा सिद्दीकी। तो बाबा सिद्दीकी अब एनसीपी में गए शरद अजित पवार के पास, तो इसका मतलब ये होता है कि वो चुनाव लोकसभा के नहीं लड़ेंगे, हो सकता है वो विधानसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर विधानसभा का चुनाव उनको लड़वाना है तो आशीष शेलार जी को प्रमोशन देके वहाँ एमपी का टिकट देना पड़ेगा, और अगर शेलार साहब अगर वहाँ पे एमपी लड़ते हैं तो नेचुरली वहाँ की उनकी सीट जो पहले बाबा सिद्दीकी के पास से खींच के लाई थी बीजेपी ने, तो वो हो, तो ये इंटरनल एडजस्टमेंट्स है, कुछ हो सकता है, यानी बाहर से आए हुए लोगों को भी अहमियत दी जाएगी और कहीं ना कहीं उसी कुछ मकसद से लोग आए हुए भी हैं। एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है, राजनीति है, राजनीति में अगर लोग आते भी है तो कुछ अपेक्षा लेकर आते हैं भले। तो पूनम महाजन क्या करेंगे फिर? नहीं, उनको कहीं एडजस्ट, देखो बीजेपी ऐसी पार्टी है किसी को फेंक नहीं देती है। अभी आपने एक उदाहरण आपके आंखों के सामने है, महाराष्ट्र के दो बड़े उदाहरण है, एक विनोद तावड़े और एक बावनकुळे साहब। चंद्रकांत बावनकुळे का टिकट काटा, आज वो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है। विनोद तावड़े जी का टिकट काटा, विनोद तावड़े आज केंद्रीय में सर्चिटीज और बहुत पावरफुल नेता बन गए। पंकजा मुंडे की वही अभी हो सकता है वो लोकसभा लड़ेगी आज, वो लोकसभा लड़ेगी तो उसकी बहन क्या करेगी फिर? मैं वही बोल रहा हूँ कि बीजेपी में हरेक को कुछ ना कुछ, जिसको जिसकी ताकत है, जिसको जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, जो सक्षम है, उसको कभी भी बाहर फेंका नहीं जाता है उसे। यहाँ पे तो उसको कोई इलाज नहीं, लेकिन जो सक्षम है उसको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट मिलती है और मिलेगी ही। बीजेपी में ऐसा कभी नहीं होता है कि भाई इसका टिकट काटा। तो हम मान के चलेंगे तीन चेहरे बदली होंगे, गोपाल सेट्टी, पूनम महाजन और मनोज कोटक। मनोज कोटक का तो मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि गोपाल शेट्टी के यहाँ पीयूष गोयल जी लड़ सकते हैं और पूनम महाजन के यहाँ आशीष शेलार जी लड़ सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है। और वहाँ पे बीजेपी मांग रही है उत्तर दक्षिण मुंबई, जहाँ पे शिवसेना के ये है, और वहाँ पे राहुल जी को वहाँ पे बीजेपी खड़ा करना चाहती है, राहुल नार्वेकर को। तो वो एडजस्टमेंट क्या हो सकते, मैंने जैसे इसीलिए मैंने कहा कि 13 सीट तो शिंदे साहब को मिलने वाली, एकाध दूसरी सीट इधर उधर एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज हो सकता है, एकाध दूसरा उम्मीदवार एक्सचेंज हो सकता है। ये हालत है। सर, थाने सीट के बारे में क्या कहेंगे आप? थाना सीट किसको जा रही है, बीजेपी शिवसेना, ये कन्फर्म थोड़ा सर नहीं हो पा रहा अभी तक, तो ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन जहां तक कि मेरे डिक्लेरेशन होने तक नहीं कंफर्म होगा, लगता है नहीं होगा कंफर्म। और जहां तक का मेरी जो इंफॉर्मेशन है, मेरे इंफॉर्मेशन से आप, एकनाथ शिंदे जी ठाणा की लोकसभा सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। यानी मान के चले कि रवि फाटक को टिकट मिल सकता है? नहीं, फिर से आप ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना लड़ सकती है जी। कैंडिडेट कौन होगा? नो आइडिया, उसी दिशा बताएंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आज का हमारा चर्चा यही था, महायुति महाराष्ट्र में, महायुति की स्थिति क्या है, सीट की बंटवारा क्यों नहीं हो पा रही, सेकंड लॉट अभी तक बीजेपी क्यों नहीं डिक्लेयर कर रही, इन्हीं सब पर विषय चर्चा कर रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, आप भी कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर लीजिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।